Question is, describe the importance of water for life. Water is important biomolecule. Water जो है बहुत important biomolecule है. Approximately 70% of any organism in form of water. तमाम living organism की जो body है उसमें जो है water present होता है. Approximately जो है 70% जो है वो water exist करता है living organism की body में. Water का formula क्या है? H2O. और nature क्या है? Polar. Polar nature means कि water के जो है एक end जो है वो क्या होगी? Slightly negative end होगी, जो कि क्या होती है? ऑक्सीजन एटम जो है स्लाइटली नेगेटिव एंड फॉर्म करता है, जबकि हाइड्रोजन एटम जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव एंड फॉर्म करता है. तो इस तरह की जो पोलर नेचर है, इसकी वजह से जो है वाटर के पास जो है यूनिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है. और ये सेपरेशन जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, ये क्या कहलाती है? डायपोल कहलाती है. तो इस नेचर की वजह से जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी वो ये है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर को जो है वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज जो है प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में. जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज अकर होती हैं सेल में, वो वाटर के प्रेजेंस की वजह से अकर होती हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वाटर की इंपॉर्टेंस जो है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से, जो कि इसको एक सुइटेबल मॉलिक्यूल बनाती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. और वाटर जो है एक बेस्ट मीडियम प्रोवाइड करता है जहाँ लाइफ की तमाम तर एक्टिविटीज़ जो है वो अकर होती है. फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वाटर की जिसकी वजह से वाटर की इंपॉर्टेंस है, वो है हाई पोलरिटी. वाटर के स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था कि वाटर जो है वो क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है. एक तरफ जो है इसके ऑक्सीजन की वजह से जो है स्लाइटली नेगेटिव एंड प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव एंड बनाता है. तो ये पोलरिटी जो है वाटर के मॉलिक्यूल की, उस क्या करती है? वाटर का एक्सेलेंट जो है सॉल्वेंट बनाती है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट का वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि वाटर जो है मोस्टली तमाम चीज़ों को जो है डिजॉल्व कर लेता है. जितने भी पोलर सब्सटेंस हैं वो वाटर में इजिली डिजॉल्व हो जाते हैं. ना सिर्फ पोलर सब्सटेंस वाटर में इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं, बल्कि आयनिक कंपाउंड भी जो है वो भी इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं. नॉन पोलर सब्सटेंस जो है जिनके ऊपर चार्ज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो भी जो है वाटर में इसलिए डिसॉल्व होते हैं. जो चार्ज सब्सटेंस है वो जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में जो है स्प्लिट हो जाते हैं, और इस तरह जो है रिएक्शन अकर होने के लिए जो है फेवरेबल स्टेट में आ जाते हैं. जब वो चार्ज होंगे तो रिएक्शन जो है इजली अकर होगा और जल्दी प्रोसीड करेगा. दिस इज़ द रीज़न वाई ऑल केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर इन एक्वस मीडियम. अब ये बात हमें क्लियर हो गई कि जितनी भी लाइफ एक्टिविटी है, जितने भी बायो केमिकल रिएक्शंस है, वो कहाँ अकर होते हैं? एक्वस मीडियम में अकर होते हैं. क्यों एक्वस मीडियम में अकर होते हैं? क्योंकि वाटर जो है उन्हें बेस्ट मीडियम प्रोवाइड करता है. वाटर जो है चार्ज आयन को स्प्लिट करवा देता है, जिसकी वजह से वो इजिली डिसोसिएट हो जाते हैं और इस स्टेट में आ जाते हैं कि रिएक्शन जो है जल्दी प्रोसीड कर जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वाटर की वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो वाटर की पोलरिटी है वो उसके चार्ज होने की वजह से. हमने देखा कि वाटर में जो है कौन से चार्ज प्रेजेंट है. चार्ज रीजन जो है वाटर में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट है. तो चूँकि दो चार्ज प्रेजेंट है, मीन्स के अपोजिटली चार्ज रीजन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है. एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव. तो अपोजिटली चार्ज होने की वजह से जो है इनके दरमियान जो है एक तरह की अट्रैक्शन फॉर्म होती है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग अकर होती है. बॉन्डिंग जो है वीक होती है, वीक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. चूँकि वीक बॉन्ड जो है किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से जो है ये बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है. इसी वजह से हम इस बॉन्डिंग को क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है. डॉटेड लाइन जो है ये शो कर रही है कि ये जो बॉन्ड है ये वीक है और इजली जो है ब्रेक हो जाएगा. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर को यूनिक प्रॉपर्टी देती है. क्या प्रॉपर्टी देती है? वाटर जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है लिक्विड ही रहता है, मीन्स कि फ्रीज नहीं होता. अगर फ्रीज होगा तो लाइफ की एक्टिविटी जो है वो अकर नहीं हो पाएगी. तो वाटर के लिक्विड होने की वजह से जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सुइटेबल है और तमाम रिएक्शंस के लिए जो है ये बेस्ट मीडियम प्रोवाइड करता है. इसके अलावा जो है वाटर में जो हाई कोहिजन और एडिजन फोर्स जो है वो प्रेजेंट होती है. ये भी जो फोर्सेस किस वजह से प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से प्रेजेंट होती है. और इस फोर्स की वजह से जो है वाटर जो है एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम एक्ट करता है. हमने देखा है कि जो ब्लड में जो है क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस अकर होती है. किस वजह से? क्योंकि ब्लड में जो है वो भी
लिक्विड पार्ट है, तो तमाम चीज़ें जो है इसलिए वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं और डिजॉल्व होकर जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर को तीन प्रॉपर्टीज देती है। एक ये कि वो लिक्विड ही रहता है, जिसकी वजह से वो जो है लाइफ की एक्टिविटी के लिए सूटेबल है। दूसरी ये कि ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अकर होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है हाई हाइड्रोफाइबराइजेशन, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोहिजन एंड एडिशन। कोहिजन जो है ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। इसी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से स्टिक रहते हैं, और जो है वाटर के फ्लो जो है वो कोहिजन की वजह से ही होता है। मीन्स कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है मूव करता है, तो उसकी अट्रैक्शन की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं। इस तरह जो है वाटर फ्लो करता है। तो वाटर की एक प्रॉपर्टी क्या है, कोहिजन, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन। में इसके वाटर जिस मीडियम में सर्कुलेट हो रहा है, तो वहाँ पे जो है उसकी सरफेस पे जो है एटर की अट्रैक्शन होती है, पोलर सरफेस पे। इसी अट्रैक्शन की वजह से जो है वाटर जो है सरफेस से एडहियर रहता है। तो कोहिजन और एडिशन दोनों ही प्रॉपर्टी जो है किसकी वजह से, हमें भी हमने ऊपर पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी की वजह से जो है वाटर क्या फंक्शन परफॉर्म करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, और ट्रांसपोर्ट मीडियम जो है वो प्रोवाइड करता है। तो कोहिजन क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन, और एडिशन जो है वो पोलर सरफेस से अट्रैक्शन है। इसी वजह से जो है सर्कुलेशन होती है वो लिविंग बॉडीज के अंदर, और ये जो है ट्रांसपोर्ट मीडियम का जो है रोल प्ले करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वाटर की, वो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाई हीट कैपेसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो है, या मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है रिक्वायर्ड होती है, या मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस के जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। तो वाटर की जो है स्पेसिफिक कैविटी कैपेसिटी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है वाटर की, वो नंबर ऑफ कैलोरीज होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है वाटर के 1 डिग्री सेल्सियस को राइज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर के। मीन्स के 1 ग्राम ऑफ वाटर की जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए जो नंबर ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड है वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कहलाएगी। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ही हाई है। हाई होने का रीज़न ये है कि जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो वाटर में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज हो जाती है। इसी वजह से जो है वाटर का जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं होता है, क्योंकि जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी वाटर को, वो कहाँ यूटिलाइज हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज हो गई है। तो इस वजह से वाटर का टेम्परेचर की जो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हाई है। तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वाटर जो है वो एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर का जो है काम करता है। तो जब इन्वायरमेंट में जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जब हॉट इन्वायरमेंट होता है, तो फिर वाटर का टेम्परेचर राइज नहीं होता। इस तरह जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर भी राइज नहीं होता है, उसकी जो एक्टिविटीज है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। इसके अलावा जो है ये हाई हीट कैपेसिटी जो है वाटर वाटर की लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। सडन थर्मल चेंजेस जब अकर होते हैं, जब टेम्परेचर में जो है बहुत सडन चेंजेस अकर होती हैं, तो इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अकर वाने होने वाले जो रिएक्शंस है, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, वो अफेक्टेड नहीं होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है किसी किस्म का हार्म या डैमेज जो है वो नहीं पहुँचता है। तो स्पेसिफिक या हीट कैपेसिटी क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि मिनिमम टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि वाटर के 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है वाटर की। तो वाटर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होने से जो है दो एडवांटेजेस प्रोवाइड हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एक तो ये कि हॉट एनवायरनमेंट में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है टेम्परेचर वो चेंज नहीं होता है। दूसरी ये कि सडन थर्मल चेंजेस अगर होते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी किस्म का हार्म या डैमेज नहीं पहुँचता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है एक यूनिट मास में से, अगर हम लिक्विड की बात करें तो वन यूनिट मास ऑफ लिक्विड को जो है गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स के लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है? हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। अगर हम वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, वो नंबर ऑफ कैलोरीज जो कि एब्जॉर्ब होती है वाटर में वाटर को वेपराइज करने के लिए, 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपराइज करने के लिए जो है जो नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड है वो क्या कहलाएंगे? हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी। वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बहुत ही हाई होती है, वाटर हैज़ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि कितनी होती है? 574 कैलोरीज पर ग्राम। इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो क्या होगा? वेपराइज होगा। तो ये जो है जिस तरह से बेनिफिशियल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो है वाटर की इस वजह से बेनिफिशियल होती है कि अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लॉस हो जाता है बॉडी से, मीन्स के जब बॉडी के टेम्परेचर राइज होता है तो हीट तो लॉस हो जाती है बट वाटर की लॉस जो है बॉडी से कम होती है, मिनिमल लॉस ऑफ वाटर अगर होते हैं तो हीट जो है ज़्यादा लॉस हो जाएगी बट वाटर कम लॉस होगी बॉडी से, वाटर कंटेंट जो है बॉडी का वो मेंटेन रहेगा। इसके अलावा जो है ये एक और एडवांटेज इसके ये है कि जब बॉडी जो है एक्सेस हीट को जो है लॉस करती है एनवायरनमेंट में, जैसे कि स्वेटिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है बॉडी जो है टेम्परेचर रेगुलेट करती है बट बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, तो हीट जो है स्वेटिंग के दौरान जो है वो यूटिलाइज होती है और जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है कूल डाउन हो जाता है बट वाटर जो है इसमें कम लॉस होता है। एवेपोरेशन कितनी अकर होती है? सिर्फ 2 ml जो है वाटर का 1 लीटर में से जो है वो लॉस होता है, जबकि टेम्परेचर जो है वो कितना कम हो जाता है? टेम्परेचर जो है मीन्स के टेम्परेचर जो है वो लॉस कितने रिक्वायर्ड होता है इसको वेपराइजेशन के लिए? 998 ml वाटर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस के थ्रू जो है वो लॉस होता है। तो इस तरह जो है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो इफेक्टिव होती है, मीन्स के हीट जो है बॉडी से लॉस हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा बट वाटर लॉस जो है वो बॉडी का कम होगा। मीन्स के जो 1 लीटर ऑफ वाटर में से जो है 998 ml जो है वो रिटेन रहेगा वाटर और सिर्फ जो 2 ml जो है वो लॉस होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वाटर मॉलिक्यूल की वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या होती है? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कैन बी डिफाइन एज रिडक्शन, मीन्स के कमी, रिडक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल गिवन है, अगर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल को जो है वाटर के सरफेस पे जब प्लेस करेंगे तो ये ऑयल ड्रॉप जो है ये आपस में जॉइन रहेंगे एक सिंगल ड्रॉप के फॉर्म में, ये स्प्रेड नहीं होंगे। तो इस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की डेफिनेशन क्या हमें समझ आई कि जो कॉन्टैक्ट एरिया है हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस का, उन सब्सटेंस का जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं और वाटर का वो क्या होता है? कम होता है, रिड्यूस्ड होता है। तो इसी वजह से वो ऑयल के जो ड्रॉप्स हैं वो स्प्रेड नहीं हुए, उन वो एक साथ जो सिंगल ड्रॉप के फॉर्म में रहे, तो मीन्स कि उनका जो कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो क्या रहा? कम रहा। तो बायोलॉजी के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की? कि ये जो है सेल की जो मेम्ब्रेन है, जो बायोलेयर मेम्ब्रेन है, लिपिड बायोलेयर पे कंसिस्ट करती है, इसकी इंटीग्रिटी जो है मेंटेन रहती है। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड बायोलेयर मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी जो है वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से जो है मेंटेन रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर के आयनाइजेशन। आयनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? डिसोसिएशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू आयंस, मीन्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, उस इसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जब आयनाइज होते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स के जब एक वाटर के मॉलिक्यूल जो है आयनाइज होगा तो एक हाइड्रोक्सीन आयन और एक हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे, इक्वल नंबर में जो है नेगेटिव और पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। तो ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम पे जो है मेंटेन रहता है 25 डिग्री सेल्सियस में। तो जब हाइड्रोजन आयन और OH आयन जो हाइड्रोक्सीन आयन है ये प्रोड्यूस होंगे तो वाटर की जो है वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, वाटर का जो pH है वो चेंज हो जाएगा। तो चूँकि ये
किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, इक्वल नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, जितने एच आयन प्रोड्यूस होंगे उतने ही ओ एच आयन प्रोड्यूस होंगे, तो इसकी वजह से जो है वाटर का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है, उसमें जो है चेंज अकर नहीं होता है और रिएक्शन जो है वो भी प्रोसीड करता रहता है, मीन्स के इफेक्टेड नहीं होता है। और ये जो हाइड्रोजन आयन और ओ एच आयन प्रोड्यूस होते हैं ये भी जो है सेल में अकर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो आयंस जो है वो पीएच किस तरह मेंटेन करेंगे, आयंस पीएच इस तरह मेंटेन करेंगे जो एच ओ एच आयन जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसकी मदद से जो है वो पीएच को मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर की प्रोटेक्शन। वाटर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। किस तरह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वाटर वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट, मीन्स के जो वाटर लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट करता है। लुब्रिकेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो है डैमेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मीन्स के जो है दो ऑर्गन्स जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जो है फ्रिक्शन की वजह से उनके टिश्यू डैमेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल टीयर्स प्रोटेक्ट सरफेस ऑफ आई फ्रॉम द रबिंग ऑफ आईलिड। टीयर्स जो है वो आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, रबिंग जो है आईलिड की होती है तो उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसी तरह जो है वाटर क्या करता है, फ्लूइड फॉर्म करता है जो कि क्या करते हैं कुशन करते हैं अराउंड ऑर्गन, और इस तरह जो है उनको ट्रॉमा डैमेज पहुँचने से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में जो है वाइटल ऑर्गन्स जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं फ्लूइड से। फॉर एग्जाम्पल पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हार्ट को जो है लुब्रिकेट करता है और फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और पेरिटोनियल फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है और इंटेस्टाइन स्टमक और लीवर को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस तरह जो है वाटर ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो दिस आर द रीजन्स विच मेक द वाटर सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। ये वो तमाम रीजन्स थे जिसकी वजह से वाटर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लाइफ जो है विदाउट वाटर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है।